गुड हाँ वेरी गुड हाँ जी जी नाइन टेन राइट गुड चला यार वेरी गुड गुड हाँ चल गुड वेरी गुड गुड नाइस चल वेरी गुड नाइस गुड हाय गाइस आज हम लोगों ने एक न्यू ड्रिल्स किया अपने बैंड के साथ तो वो न्यू ड्रिल्स आप लोगों ने देखा होगा कि थेरा बैंड के साथ हमारे पास दो थेरा बैंड के साथ हम लोगों ने ड्रिल्स किया और ये ड्रिल्स बेसिकली क्या किस लिए होता कई कई बैटर का क्या होता मोटिवेट जैसे अभी देखो ये बैटरी एक खड़ा है फ्रंट लेग ये निकाला और कईयों का बॉडी वेट ऐसे जब शॉट खेलते टाइम देखो ये बॉडी वेट राइट साइड में फॉल हो रहा है तो इससे क्या होता है ये आई जो है बॉल की डायरेक्शन में ना होकर दूसरे डायरेक्शन में होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं आई जो होता है लॉक हो जाता है बॉल पर तो इसके लिए जैसे थेरा बैंड हम यहाँ डालकर अगर थेरा बैंड यहाँ आपने देखा होगा यहाँ डाल के हम आगे की तरफ एक प्लेयर्स खींच रहा है इससे क्या होता है इसका जो ये बॉडी गिरा हुआ है ये सीधा हो जाता है और दूसरा हमने देखा होगा पीछे भी थेरा बैंड एक प्लेयर पकड़ा हुआ था पैर में डालकर पीछे वाले पैर में बैक लेग में उससे क्या बेनिफिट है जो पीछे वाला पैर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा ये सीधा रहेगा तो इससे क्या होगा आपकी अपर बॉडी की रीच अच्छी जाएगी और अपर बॉडी अच्छे तरीके से लीन होगा इसलिए दोनों थेरा बैंड का अलग अलग महत्व होता है गाइस और इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है किसी बैटर का क्या होता है फ्रंट लेग निकाला और बॉटम हैंड पहले आने की वजह से क्या होता है अप हो जाता है एक्चुअली बॉटम हैंड नहीं पहले आता है यहाँ समझने वाली बात है जैसे हम बोलते हैं बॉटम हैंड पहले आ गया उसके रीजन में जाइए उसके कारण में जाइए कि वो क्यों आ रहा है बॉटम हैंड पहले उसको समझना ज़रूरी है हमें किसी भी बीमारी के जड़ पे काम करना है ना कि बीमारी को दबाने उसको डाउन करने का काम करना तो हमें क्या है हमें पहले पकड़ना है कि जैसे ही हमारा फ्रंट शोल्डर लीन होगा वैसे ही आपका बॉटम हैंड अपने आप कंट्रोल में आएगा पीछे से तो कई बैटर क्या करते हैं जब बॉल खेलते हैं तो ये पैर तो देखो इनका फ्रंट बैटर का पैर प्रॉपर स्ट्राइट बढ़ा है सब कुछ ठीक है अपर बॉडी का पोस्चर ऐसे खड़ा हो जा रहा है जो कि इन बैट 90 डिग्री एंगल पर खड़ा हो जाएगा इससे क्योंकि ये फ्रंट शोल्डर हट जा रहा है अभी ये थेरा बैंड लगाने से क्या हुआ कि जैसे ही बैटर शॉट खेलने जा रहा है एक प्लेयर थेरा बैंड को आगे खींच रहा है उससे एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है एक तो बैटर अपनी तरफ से मोमेंटम को जारी रख रहा है दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम जब हो रहा है तो उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है थेरा बैंड की वजह से तो ये जो फ्रंट शोल्डर है आगे की तरफ लीन हो जा रहा है जिससे बॉटम हैंड भी कंट्रोल हो जा रहा है बैट जो है 90 डिग्री एंगल पर ना जाके 45 डिग्री एंगल पर ग्राउंडेड शॉट के लिए रेडी हो रहा है बैटर तो इससे एक बेनिफिट ये है तो गाइज इससे दो तीन बेनिफिट है एक तो आपका बॉडी वेट प्रॉपर लाइन जा रहा बॉडी अगर गिर रहा हो उसके लिए अच्छा है तीसरा क्या अगर पीछे वाला पैर जैसे सपोज करो पीछे वाला पैर है अगर इसको हम ना खींच के रखें थेरा बैंड से तो ये जैसे ही बैटर आगे की तरफ जाएगा ये पीछे वाला पैर ऐसे जाकर और ऐसे बैंड हो जाएगा तो ये भी इससे भी बॉडी हमारी 90 डिग्री तक खड़ी हो जाएगी तो समझने वाली बात है टेक्निकल चीज़ें हैं इसको अच्छे से और इसमें जो फिर आपने देखा होगा जब हम ड्रिल्स को प्रोग्रेसिव बना रहे थे ये तो मैंने बताया थेरा बैंड के साथ दूसरा
हमने ड्राइव भी मारे, ड्राइव मारे कैसे, एक बार बैटर को हमने टॉप हैंड से ग्लव पहना कर डालकर हाथ में, इसमें इसको टॉप हैंड से हमने मारने के लिए बोला, तो इससे क्या होता, जैसे ही बॉल टेनिस बॉल लेकर जैसे ही हम ड्रॉप कर रहे थे, बैटर के माइंड में क्या चीज़ें आ रहा था, एक तो थैरा बैंड खींच रहा आगे से कोई प्लेयर, एक पीछे से खींचा हुआ, दूसरा बैटर के माइंड में एक चीज़ और खुद से आने लगेगा बॉल को देखते हुए कि मुझे बॉल तक पहुंचना है, अपना टॉप हैंड का जो पीछे वाला फॉर्म है उसको उससे मारना है, हिट मारना है, इसलिए बैटर अपने दिमागी चीज़ से बिल्कुल तैयार रहता है कि मुझे नीचे जाना और शॉट को खेलना है, तो उससे हमारी एक्स्ट्रा बॉडी और लीन होना शुरू हो जाती है, एक तो ऑलरेडी लीन हो रहा, दूसरा बैटर और कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम बैट से मारने के लिए पहले बोलेंगे बैट का हैंडल बैट बड़ा होता है तो ईजी लग जाएगा, और जब हम पाम से बोलते हैं तो एक्स्ट्रा लीन करना पड़ता है, तो हमारी बॉडी और लीन होना शुरू हो जाती है। आपने फिर बोथ हैंड से हमने किया, फिर लास्ट में आपने देखा होगा फिर प्रोग्रेसिव ड्रिल्स को बनाते हुए फिर हमने बैट से लास्ट में बैट से इम्प्लीमेंट किया। तो गाइस जो भी ड्रिल्स आप करते हो उसका इम्प्लीमेंट तुरंत ही करना पड़ता है, अदरवाइज वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, नहीं तो आप 100% भी करोगे तो रिजल्ट मुश्किल से 10% मिलेगा या 20% मिलेगा, अगर आपका इम्प्लीमेंट अच्छा है तो आपके रिजल्ट 100% में से 80% आपको या 50% विद इन 1 वीक के अंदर भी मिल सकता है, या 10 दिन के अंदर या महीने दिन के अंदर 100% मिलने वाला है। तो ये था ड्रिल्स के फ़ायदे। तो मेरा और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी कोचेज या जो भी प्लेयर्स इस ड्रिल्स को करें तो उनमें टेक्निकली चीज़ें जरूरी जानना जरूरी है, ये जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर बैटर को यहाँ से अगर लगाया, थैरा बैंड लगाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने हिप पे लगाया यहाँ पर थैरा बैंड, तो जब हम हिप पे लगा रहे हैं देखिए तो हिप खींच रही है लेकिन अपर बॉडी पर काम नहीं हो रहा है, अपर बॉडी हिप तो खींच रही है, ये पैर भी यहाँ तक तो आपका खींच गया, लेकिन एक टाइम जब आएगा जब आप बॉडी का मोमेंटम ले कर आते हो यहाँ लॉक, जब आपका ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम शुरू होता है तो बॉडी आगे की तरफ चलनी चाहिए, तो उस टाइम अगर थैरा बैंड हम गलत तरीके से लगाएंगे तो वहाँ लॉक हो जाएगा, इसलिए थैरा बैंड हम थोड़े चेस्ट लेवल पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आगे वाला चेस्ट लेवल पर, इससे क्या होगा, देखिए ये बैटर जा रहा है, बैटर जैसे जा रहा है अब इसका क्या होगा, आगे वाली बॉडी अपर बॉडी अपने आप खींचती हुई चली जाएगी, और पीछे थैरा बैंड लगा हुआ ये पैर स्टेबल है, तो इससे क्या होगा, पीछे वाली बॉडी अपने आप खींची हुई है फिर अपर बॉडी पे काम हो रहा है, इसलिए हमें थैरा बैंड लगाने का तरीका भी सही से, किस जगह लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कैसे खींचना है और किस टाइम हमें रिलीज करना, वो भी पता होना चाहिए। जब आप खींचते हो थैरा बैंड क्या होता है, कई बार आप इस ड्रिल को करोगे कई बार गलती ये भी हो सकता, जैसे बैटर गया और उसके साथ ही खींच दिया, तो ऐसा नहीं करना, जैसे ही बैटर फ्रंट फिट निकाला अपर बॉडी लीन करना शुरू किया इसके बाद आपको थैरा बैंड खींचना है, तुरंत खींचोगे बैलेंस बिगड़ सकता है, गिर सकता हो और उसमें बैक में झटके भी लग सकते हैं, बैक इंजरीज भी हो सकती हैं, ग्रोइन भी जा सकता है, तो इसलिए इंजरी को सेव करते हुए ड्रिल्स करना है, ड्रिल्स करना बड़ी बात नहीं है, ड्रिल्स करने की जो टेक्निक है, जो आर्ट है, जो आपको आना चाहिए जिससे आप प्लेयर्स के साथ ड्रिल्स के माध्यम से अच्छा काम कर पाओ, इसीलिए मेरा कहने का यही मतलब था कि कोई भी ड्रिल्स करो उसके मायने और मतलब को समझना, फिर ड्रिल्स को और प्रोग्रेसिव बनाना, फिर ड्रिल्स के बेनिफिट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।